गाइज, ये तो आप सब जानते हैं कि दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से सन 2009 में बनी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना महंगा बुर्ज खलीफा में फ्लैट या अपार्टमेंट मिलता है, उससे भी ज्यादा महंगा उसके सामने का अपार्टमेंट है जहां से बुर्ज खलीफा दिखाई देता है। यानी कि लोग बुर्ज खलीफा के व्यू के लिए फ्लैट पे ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बुर्ज खलीफा के सामने एक 3 BHK अपार्टमेंट का रेट 7.5 मिलियन दिरहम है, जबकि बुर्ज खलीफा के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट का प्राइस मात्र 6 मिलियन दिरहम ही है। गाइस, बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सबने सुना होगा, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के तौर पे जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यानी कि 2722 फीट है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक इमारत सऊदी अरब में बनने जा रही है, जिसकी ऊंचाई 3281 फीट यानी कि करीबन 1 किलोमीटर होगी। इस इमारत को जिद्दा टावर का नाम दिया गया है, जिसे पहले किंगडम टावर कहा जा रहा था। इसे मूल रूप से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे आकर्षक टावर भी होगा। इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट के नाम है एड्रियल स्मिथ और गार्डन गिल। आपको बता दें कि स्मिथ वही है जिन्होंने बुर्ज खलीफा का भी डिजाइन किया था और ये दुनिया के शीर्ष 11 इमारतों में से 4 इमारतों का डिजाइन कर चुके हैं। इसमें चीन का जिफांग टावर और शिकागो का ट्रंप इंटरनेशनल होटल टावर भी शामिल है। जिद्दा टावर 2,45,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला होगा, जिसमें काम करने के लिए 200 कमरे, 4 सीजनल होटल, 121 सर्विस अपार्टमेंट और 360 आवासीय अपार्टमेंट शामिल होंगे। गाइस, है ना ये खास? आपको जिद्दा टावर के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।